भारत का आतंकवाद को लेकर फंडा हमेशा क्लियर है। दुनिया में किसी भी मंच पर आतंक के मुद्दे पर भारत कभी भी बुरे और अच्छे आतंकवाद के फेर में नहीं फंसता है। भारत की, खासकर मोदी सरकार की, आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। यही कारण है कि जब भी आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा होती है तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या कोई विदेश सचिव, वे खुलकर डंके की चोट पर आतंक के खिलाफ अपनी बात रखते हैं। कुछ ऐसा ही गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में देखने को मिला, जब विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए आतंकवादियों को पनाह देने वालों पर निशाना साधा। घाना की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की शांति स्थापना और स्थायी शांति विषय पर खुली बहस में भारत ने कहा कि उन लोगों को बुलाएं जो आतंकियों को सुरक्षित आश्रय मुहैया कराते हैं, उन्हें बुलाएं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के प्रतिबंधों समेत उनके बचाव में आते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से उत्पन्न खतरे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट आवाज की जरूरत है। हमें मेजबान राज्य के सुरक्षा बलों की क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए, वित्तीय संसाधनों तक आतंकवादी ताकतों की पहुंच रोकने के लिए हाथ मिलाना चाहिए और सामूहिक रूप से उन लोगों को बुलाना चाहिए जो आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देते हैं। पिछले 5 महीनों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन ने पाकिस्तान सहित आतंकवादियों को नामित करने के भारत और अमेरिका के कई प्रस्ताव में बाधा डाली है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने रूस के डर्टी बम के दावे को भी खारिज कर दिया। एजेंसी ने कहा कि उसके निरीक्षकों को रूस के इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला कि यूक्रेन मॉस्को पर दोष मढ़ने के इरादे से एक रेडियोधर्मी डर्टी बम बना रहा और विस्फोट करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि यूक्रेन सरकार ने अनुरोध पर निरीक्षणों में अघोषित परमाणु गतिविधियों और सामग्रियों का कोई संकेत नहीं मिला। एजेंसी ने कहा कि उसके विशेषज्ञों ने यूक्रेन में 3 स्थानों पर निरीक्षण किया और उन्हें उन जगहों तक बिना किसी रोक टोक के जाने दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली नेबिंजिया ने पहले हफ्ते UNSC के सदस्यों को लिखे एक पत्र में दावा किया था कि यूक्रेन की परमाणु अनुसंधान सुविधा और खनन कंपनी को इस तरह के डर्टी बम को विकसित करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से आदेश प्राप्त हुए थे। यूक्रेन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि रूस इस तरह युद्ध को और तेज करना चाहता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।